नांदेड़ में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद में अब दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर देही मकामात पर भी कोरोना मुतासरा मरीज पाए जा रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से आज फराहम की गई इत्तलात के मुताबिक आज भी 4 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनका ताल्लुक नांदेड़ ज़िले के उमरी ताल्लुके से बताया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लोग दीगर शहरों से अपने घर वापस लौटे हैं। इस तरह नांदेड़ में अब तक कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 137 हो गई है। 79 अफराद कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 51 अफराद का अभी भी शहर व जिले के अलग अलग मुकामात पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में इलाज जारी है। 25 मई को 7 अफराद तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इनमें मिल्लत नगर, इतवारा और दीगर मुकामात के लोग भी शामिल है। इतवारा में कोरोना मुतासरा पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इंतजामिया ने इतवारा बाजार के पूरे इलाके को सील कर दिया है। कंटेनमेंट जोन बनाकर इलाके में जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा 2 दिन कबल रियासती काबिनी वजीर व साबिक वजीर आला अशोक राव चौहान की कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के लिए रवाना किया गया है। पार्टी कारकुनान के मुताबिक अशोक राव चौहान की तबीयत मुस्तहकम है और जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे। इनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नांदेड़ में मुख्तलिफ समाज के लोगों की जानिब से दुआएं भी की जा रही है। इतवारा में और पेशेंट मिले हैं, इसलिए हम कंटेनमेंट जोन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एनएमसी के कर्मचारी भी यहाँ पे आ गए हैं। अब नांदेड़ वासियों के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई है, उन्होंने अपना एहतियात बरते और कोरोना ना बढ़े, इसलिए हर एक ने एहतियात बरतनी है, ये मैं कहना चाहूँगा। पर जो अनाज वाटप जो हो रहा था, अनाज वाटप के अंदर यहाँ पे बीओ लोग जो बैठे वाले थे, बीओ लोग तो बच्चे को होने में बाद में वंडित लोगों को उनके घर को हुआ। बीओ लोग ने यहाँ मट्टी में बीओ लोग की वजह से यहाँ पे एक नहीं, यहाँ के 2 चांदपा शाबे का बच्चा है बीओ, यहाँ कोपन की दुकान, उनकी दुकान के ऊपर बीओ लोग बैठने में उसके अंदर यहाँ पे वो उन लोगों को कोरोना हुआ बोल के रात में लेके गए। कोरोना में उसके अंदर एक नहीं, हमारे एरिया को सील कर रहे, सील में है कि नहीं, करने में है कि नहीं, हमने महापालिका के प्रशासक को बुलाए, प्रशासक को बुला के हमने जितने भी जो है हमारे गलियों को जो है कि नहीं पूरा फुहारी वारी मार के करके हम प्रशासक से जितने भी उतना पूरी लोगों की मदद करेंगे। और बाकी जनता जो है अपने अपने हिसाब से कि अपने अपने घरों में रहो, जो पहले जैसा रश कर रहे थे वैसा रश मत करो। अपने पास अपने एरिया में अभी तक नहीं था, पर अभी तक अपन बचा के रख रहे थे, पर अभी जनता की तरफ से कि रोड पर आने की तरफ से यहाँ पर पूरा सहयोग है। अभी अल्लाह के वास्ते सब लोग अपने घरों में रहो। क्रमांक 15 में एक दो आज प्रभाग क्रमांक 15 इतवारे में 2 पेशेंट कोरोना के मिले हैं। हम सभी इतवार वासियों से अपील करते हैं कि जो आज घटना घड़ी है वो आपके साथ भी न घटे। मैं आपको सबको विनंती करता हूँ कि आप घरों में रहो और एहतियात करो और कोरोना से अपने को कैसे दूर रहने का ये देखो। आज महापालिका, पुलिस प्रशासन और सब यंत्रणा आज प्रभाग क्रमांक 15 में आके जो एरिया में पॉजिटिव मिले हैं वो एरिया को आज सील करने का काम चालू है और महापालिका और पुलिस प्रशासन सहकार्य से ये काम हो रहा है।